सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड या अभी टाइम हो रहा है 7:30 या फिर 7 o'clock, एंड मैं अभी फिलहाल जिम में हूँ। सो या बहुत ही मज़ा आने वाला है आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं शोल्डर। सो या दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शोल्डर। एंड बेसिकली आप लोगों ने जैसे देखा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिप्स वगैरह कि मैंने कार्डियो वगैरह कर लिया ऊपर जाके अच्छे से। एंड अभी बारी है शोल्डर, रियल शोल्डर वर्कआउट के लिए। तो ये हम जाते हैं 5 या 6 एक्सरसाइज करेंगे, सुपर कड़क, आपको बहुत ही मजा आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं 100 वीडियोस का वर्कआउट वीडियोस का चैलेंज जाऊँ, अपने बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ऐसे डेली लाइफ बिता के, बिना कुछ ज़्यादा कुछ डाइट किए, देखते हैं क्या होता है। सो हाय दोस्तों, मैं आई ट्राइड स्किपिंग बट नहीं हुआ मेरे से, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं कुछ क्लिप नहीं दिखाया। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा वर्कआउट कार्डियो वगैरह किया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक बज रहा था, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ वॉइस ओवर। एंड वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो अभी। एंड ये ख़त्म होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ और एक्सरसाइज करने। मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा, हल्का हल्का दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ये आधा घंटे तक किया हूँ अच्छे से पूरा। एंड आई थॉट कि ये ज़्यादा पसीना आ रहा है, वेट ट्रेनिंग में तो आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बॉडी शेप में आएगा। एंड ये भी करना ज़रूरी है उतना ही। मैं जंपिंग जैक्स वगैरह वगैरह बहुत सारा एक्सरसाइज मैंने किया। एंड ये बर्पीस थोड़ा सा ट्राई किया, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया था। सो मैं देख सकते हो कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट आई विल ट्राई। एंड इस पर मैं ज़्यादा वॉक करूँगा अपने में, तो अभी आप वीडियो में आगे देखो शोल्डर का वर्कआउट पूरा। एंड मुझे ऐसा डर लग रहा था ताकि ये फ्लोर कहीं फट ना जाए बोल के, क्योंकि मैं कूद रहा था तो शायद फट भी जाता, क्या भरोसा भाई किस चीज़ का। उसके बाद थोड़ा सा साइकिलिंग वो भी मैंने किया 10 मिनट तक ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद मैं पुलअप के लिए ट्राई करने के लिए चला गया नीचे, ये ऊपर कार्डियो के लिए था। एंड आप देख सकते हो मशीन में मैं कर रहा हूँ। एंड वन डे डेफिनेटली आई एम गोना लर्न दिस, मतलब एनी हाउ मैं करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये ही ज़्यादा ये स्ट्रेंथ है मुझ में स्ट्रेंथ, बट धीरे धीरे मैं कर पाऊँगा। सो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वर्कआउट करना, अभी लग रहा है, वरना मैं कितना साल बस घर में सोता था खाता था बस यूं ही लाइफ चलता था। अभी तो वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग। और हाँ दोस्तों, बाकी बहुत सारे लोग ईगो के चक्कर में, वेट के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर देते हैं, आप लोग ऐसा गलती कभी मत करना। हमसे कोई छोटा भी हमसे ज़्यादा वेट मार सकते हैं, हम किसी से ज़्यादा वेट मार सकते हैं, तो वो मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है, एक्सपीरियंस। तो लीजिए भाई, हमारा पहला एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। एंड जैसा मैं खाता हूँ पेल के पूरा, वैसा मैं निकाल भी रहा हूँ जिम में पसीना बहा के। सो लेट्स सी हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, आगे बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। कॉमेडी सीन है तो वेट करो उस चीज़ का, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। एंड ये शोल्डर के लिए पहला वर्कआउट है। सो मैं 3 या फिर 4 ईच एक्सरसाइज करता हूँ और रेप्स 15 मारता हूँ। सो शायद ये वाला हो गया। तो अभी नेक्स्ट सेट शुरू हुआ। एंड मैं बैठा पोजिशन, प्रॉपर पोस्चर रेडी किया। एंड रेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं हो पाया, 14 में रुक गया मैं, कैसे पता नहीं। चलिए नेक्स्ट सेट में आगे जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं भाई, मैंने कर लिया था वो पूरा, वो बस मैंने लेट में काउंट किया। तो अभी नेक्स्ट सेट शुरू हुआ, एंगल चेंज किया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। फेस एक्सप्रेशन पे मत जाना, क्योंकि वर्कआउट करने टाइम फेस को नहीं दिखा जाता, बस वर्कआउट को दिखा जाता है। अभी डाउन किया जा रहा है, ज़्यादा हाई नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वैसे करने से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड यार दिक्कत तो है गाइस, वेट मैंने 10 kg ईच साइड लगाया है। कम हुआ ये वाला सेट, बट चलेगा। एंड ये दूसरा एक्सरसाइज है जिसका नाम है शायद शोल्डर प्रेस या फिर डंबल प्रेस, जो भी। ये मैंने 5 kg का पहला सेट किया, उसके बाद मैं अपग्रेड फिर अप हो जाऊंगा वेट में, देखते हैं कितना होता हूं, आप लोग वीडियो में बने रहो। एंड ये 15 या फिर 10 कितना करना है मुझे पता नहीं, याद नहीं, पोस्चर गलत हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से सेट हुआ। एंड या ये शोल्डर के लिए प्रॉपर वर्कआउट है। एंड छोटे से छोटा वर्कआउट, छोटा से छोटा बड़ा वर्कआउट, मैं सब देखता हूँ हल्का हल्का। अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट धीरे धीरे हो जाऊँगा।
एंड या बहुत ही मज़ा आता है मुझे वर्कआउट करने में। आप लोग भी करो, आप लोग को भी मज़ा आएगा। जितना खाने में मज़ा आता है उतना वर्कआउट करने में मज़ा आता है। वाह, हो गया ये वाला शायद। अभी 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 7.5 kgs का डंबल, मतलब एक साइड में 7.5 kgs और एक साइड में 7.5 kgs, तो टोटल 15 kgs हो गया। मैं डंबल रेडी किया, वो साइड में था, रख दिया उसको, एंड वो पकड़ा मैं। रेडी, 1 2 3 गो। स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट कर आयुष, चल। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 में रुक गया क्यों? अच्छा, और करना है 11 12 13 14 15 हो गया। हाँ, थोड़ा सा अभी 60 seconds का ब्रेक लेके, एंड अभी फिर से थर्ड नंबर सेट रेडी, वही सेम 7.5 kg 7.5 ईच वाले में, एंड 1 2 3 हियर वी गो। स्टार्ट कर भाई जल्दी, कितना लेट करेगा? किधर देख रहा है? पता नहीं क्या देख रहा है। मैं सॉरी और या क्या कुछ बोल रहा हूँ, बातचीत चल रहा है, जिम में चलता रहता है हल्का हल्का। सो रेडी, वर्कआउट में नो कॉम्प्रोमाइज, 1 2 3 चल भाई चल। 1 हाँ रुको यार, ये सही करना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है, वरना अजीब लगेगा ना। पता नहीं इतना इम्पोर्टेंट क्या डिस्कशन चल रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। हाँ रेडी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट 15 16 हो गया। एंड अभी बारी है पोस्चर देखने का, बॉडी पोस्चर कैसा है, शेप कैसा है, हमेशा देखना चाहिए वर्कआउट के बाद एंड वर्कआउट से पहले भी। तो चलो अभी देख रहा हूँ, हो गया सब वर्कआउट, दो टो एक्सरसाइज हो चुका है अच्छे से, एंड अब बारी है जूम करके देखने की, ठीक है। एंड सडनली एनर्जी लो लग रहा था उस दिन पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा रेड बुल एनर्जी के लिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। एंड ये रहा थर्ड वाला एक्सरसाइज, ये भी शोल्डर के लिए ही, एंड ये उतना आइडिया नहीं था, पहली बार कर रहा था ये वाला, और एक बार करूँगा। हैमर कल किया मैंने, वो मैं नहीं दिखा पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑन है बट ऑन नहीं था। सो ये नया नया सीख रहा हूँ, अभी उसको चेंज करने के लिए बोले तो मैं चेंज किया वैसे, तो शायद देखते हैं कैसा रहता है। अभी ये साइड हो गया, अभी ये वाला कैसे मुड़ूँ कैसे मुड़ूँ, वो मैं पूछ रहा था क्या करूँ कैसे नहीं, फिर मैं इधर मुड़ गया। हाँ इधर मुड़ के फिर 1 2 3 एंड चलता रहा वर्कआउट, चलता रहा ऐसे करके पूरा। हाँ ये मज़ा आ गया, अब देखो तो ये तो पूरा चलता रहेगा। एंड अभी ये स्किप कर देता हूँ, आगे आप लोग को दिखाता हूँ अच्छे से, हो गया। एंड ये केबल वाला हैमर कर्ल, थोड़ा सा वैसे टाइप का, पूरा तो हैमर कर्ल नहीं है बट वो ये भी शोल्डर के लिए, वो मैंने देखा है यूट्यूब में, खुद से लर्न किया है ये वाला। एंड मुझे जहाँ तक पता है कि ये तो सही है पूरा, लोगों गलत भी लगे बट मेरे हिसाब से तो सही है, नहीं लोगों को भी क्यों ही गलत लगेगा, ये गलत ही नहीं है। सो या इट्स गुड, देखते रहो, मज़ा आ रहा है ना, एंड या चलता रहेगा वर्कआउट। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि सुबह भी रनिंग करना स्टार्ट कर दूँ, वो थोड़ा सा लव हैंडल जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो भी गायब हो जाएगा धीरे धीरे, वो बस कुछ महीने रुक जाओ और 5-6 महीने। हाँ दोस्तों, अभी तक वॉइस ओवर चल रहा था बिकॉज यहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था, तो अभी मैंने फिलहाल तो म्यूजिक शायद अभी कम हो गया, मैंने अभी बंद किया था। बहुत ज्यादा मजा आया आज कार्डियो में भी, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं कि शोल्डर में भी। तो अभी कितना वर्कआउट हुआ, कितना एक्सरसाइज हुआ है, 1 2 3 और ज्यादा ही नहीं हुआ, अभी करना बाकी है बहुत सारा, बट आज थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है। मैंने एनर्जी ड्रिंक के लिए मतलब रेडबुल भी थोड़ा सा पिया, एंड लेट्स सी क्या होता है आगे, परफॉर्मेंस बाकी है। ये बार शोल्डर ऊपर वाला करना है, और मुझे तो याद भी नहीं आ रहा शोल्डर क्या करना है। हैमर कर्ल मैंने किया अभी, वो मैं नहीं दिखा पाया, केबल में मैंने किया। सो या 3
तीन एक्सरसाइज चार होगा अभी, उसके बाद पांच, पता नहीं चल रहा आज क्या क्या हो रहा है। सो यह कंफ्यूजिंग है बट बने रहो वीडियो में। सो हाँ दोस्तों, अभी 15 kg से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज वाला वर्कआउट। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है बट बहुत ज्यादा मेरा शोल्डर पंप हो चुका है, पता नहीं क्यों, देखते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा शायद गलत मार दिया होगा इसलिए। एंड अभी मैं फिट करता हूँ ट्राइपॉड में, उसके बाद लग जाता हूँ प्लैंक के लिए। सो हाँ दोस्तों, ये सिलू का करतब देख सकते हो आप जिम में। मजा, देखो देखो उधर देखो क्या स्टंट किया जा रहा है। YouTube वीडियो चल रहा है। वाह वाह सही है। हाँ दोस्तों, सो मैं काउंट करता हूँ कितना एक्सरसाइज हुआ, ये वाला एंड देन वो वाला, देन वो वाला, देन वो वाला, चार हो चुका है ऑलरेडी और दो टो बाकी है। सो बहुत ही मजा आ रहा है आज। सो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अब तक तो कर दो, मजा आएगा बहुत। 1 2 3 तो या क्या करतब दिखाया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा बट मजा आ गया देख के। अच्छा वीडियो बनाया जा रहा है, सही है सही है। तो अभी आपने देखा जैसे हमारे जिम में वीडियोस वगैरह बनाया जा रहा था, मजा आ रहा था पूरा। एंड सौरभ का भी अटेम्प्ट कर रहा था 15 kg का, सो वो अनफॉर्चुनेटली डूब गया वीडियो। तो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी और एक दो एक्सरसाइज बाकी है, उसके बाद मजा आएगा, आप लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे, कुछ खाने जाएंगे। सो हाँ दोस्तों, अभी ट्रैप्स मसल के लिए अभी वर्कआउट किया जा रहा है। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हल्का हल्का डंबल पकड़ो और ऐसा करना पड़ता है, डंबल नहीं और एक मशीन से होता है बट मैं डंबल से कर रहा हूँ। सो इजी होगा इसलिए अभी होगा ये। अभी दूसरी टाइम की बारी, देखते हैं चेक करते हैं जूम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अभी फिलहाल वर्कआउट तो ख़त्म होने वाला है, बस लास्ट सेट बचा है। तो आप देख सकते हो सही दिख रहा है बट ये वाला चर्बी, इसको मैं अभी नहीं दिखा रहा, पर आप उधर से ही देख लो, ये वाला चर्बी कम करना है, ये वाला कम हो गया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले। एंड ये रहा 7.5 kg का, सो ये ट्रैप्स मसल के लिए। आज पूरा खाली है आराम से, वैसे भी मेरे करना टाइम खाली होता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लेट करता हूँ जिम आने टाइम और जाने टाइम भी लेट करता हूँ पूरा। सो या मजा आ रहा है आज, उतना अच्छा खासा वर्कआउट नहीं हुआ बट चलेगा, मजा आया, कार्डियो बहुत अच्छा हुआ आज। सो मैंने आपको नहीं दिखा बट उधर पसीना से भीग गया था, इतना ज्यादा कार्डियो हुआ। मैंने आज बर्पीज ट्राई किया, इतना पसीना आया, मैं मतलब रनिंग करने से भी उतना ज्यादा पसीना आना जितना बर्पीज में आया। सो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इफेक्टिव है बर्पीज, सो आई विल ट्राई एवरी डे। सो या हो गया वर्कआउट शायद, अभी और एक बार हो जाए, एक बस दो ठो ये वाला डंबल वाला ही। अच्छा ओके ठीक है, आई एम वेटिंग।
बट बहुत ज्यादा रिप्ड एंड श्रेडेड लग रहे हो। वाह वेरी गुड, मेरे को ऐसा बॉडी बन जाए ना, जन्नत जन्नत पूरा एक। सो वन डे आई एम गोना लर्न दिस एज वेल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वर्कआउट है। पुशअप्स, डंबल पुशअप्स थोड़ा सा ऊपर वाला, सो या इट्स गुड। देख सकते हो कितना रॉ पावर है, सो ये है बोलते हैं रॉ पावर, रियल पावर। सो हाँ दोस्तों, आज मैं गाड़ी नहीं लाया हूँ तो सिलू मुझे छोड़ने जा रहे हैं। थैंक यू सिलू। हाँ तो घर जाता हूँ। आज का वर्कआउट कमाल का रहा, स्पेशली कार्डियो, और मैंने रनिंग भी किया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कैसा मतलब मस्त ही लगा पूरा। एंड या सो हाँ दोस्तों, अभी ये फ्रेश फ्रेश रोटी बना है, मम्मी ने बनाया है, बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर मेरे को फील ही नहीं कर रहा है कैसे। मैं अभी देने जा रहा हूँ डॉक्स को। ऐसा एक सीन हो गया है कि मैं हर रोज पिछले कुछ दिनों से नया ना यहाँ पे एक डॉग रह रहा था, तो उसको बने रहता डेली, पर उसके वो किधर पता नहीं चला गया, बाहर रह गया उद्धव शायद, और अभी चाटो मेरे साथ पूरा मिल गए मतलब पूरा। अभी देखो कैसे आएंगे, देखो मेरे पास वेट की थे ये चाटो, 1 2 3 4 हर दिन मेरे पास आते हैं, मैं बिस्किट देता हूँ हर दिन इन लोग को, 1 2 3 4 दे भी दे। तो थोड़ा सा देखिए ये रोटी चाटो लाया हूँ, गुड़े उठे बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, 1 2 3 4 ये जल्दी 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 खा ले खा ले खा ले खा ले। देखो तू सारे क्यों खा रहे हो उसका, हो गया ख़त्म, पूरा खा लिए, जल्दी खा भाई। सो हाँ दोस्तों, देख सकते हो पसीना पसीना हो गया था क्योंकि जिम से ही अभी आया हूँ, मेरे को देखने से ही दौड़ के चले आते बोलो, तो यार अभी नहा के फिर खाना खाऊंगा। ओह यार मजा आ गया। सो या गाइस खाने क्या, उसको खाने दो। सो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, मैं अभी डिनर करूँगा, डिनर में क्या होगा पनीर वगैरह ही होगा। सो या